नमस्कार आप देख रहे हैं अखड़ और आपके साथ मैं हूं हूशन लोकसभा में विपक्ष और कांग्रेस पर बरसने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में भी कांग्रेस पर तीखे वार किए प्रधानमंत्री ने अपने चिरपरिचित अंदाज में जनादेश पर सवाल उठाने वालों हार का ठीक रहा ईवीएम पर फोड़ने वालों पर जमकर हमला बोला गालिब के शेर ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा के जरिए ईवीएम की बहानेबाजी को लेकर विपक्ष पर तीखा तंज भी कसा पर देश की जनता और मतदाता का अपमान का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अहंकार ठीक नहीं जीते तो देश जीता और कांग्रेस हारी तो देश हार गया मोदी ने इसके साथ ही एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में न आने को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा पीएम मोदी ने झारखंड में हुई मॉब लिंचिंग की घटना की भी निंदा की पीएम मोदी ने कहा कि वो झारखंड में हुई इस घटना से आहत हुए हैं दरअसल ये मोदी का तरीका है जो अपने तरफ अपने तरीके से सवालों का जवाब छोड़ते हैं और कई सवाल भी विपक्ष से करते हैं तो इन्हीं सवालों पर आज की बहस आज का अखाड़ा लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए किस तरह से पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा था किस अंदाज में उन्होंने यहां पर विपक्ष को पीछे छोड़ा था और आज जब राज्यसभा में उनका संबोधन हुआ तो किस तरह उन्होंने विपक्ष पर तमाम सवाल किए किस तरह से विपक्ष के रुख पर सवाल खड़े किए किस तरह से तमाम सवालों का जवाब दिया पहले सुनाते आपको जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का फिर देखना फिजूल है कद आसमान का फिर देखना फिजूल है कद आसमान का ता उम्र गालिब यह भूल करता रहा ता उम्र गालिब यह भूल करता रहा धूल चेहरे पर थी आयना साफ करता रहा तो लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष पर तमाम यहां पर सवाल खड़े करने वाले पीएम मोदी के इस तरीके पर जहां पर हर तरफ यहां पर बीजेपी हमलावर हो रही है लगातार विपक्ष पर सवाल खड़े करें विपक्ष जिस तरह से सदन के बाहर तो आक्रामक दिखता है लेकिन सदन के अंदर जिस तरह की खामोशी है जिस तरह का रुख होना चाहिए जिस तरह की जिम्मेदारी होनी चाहिए आखिर उससे बच क्यों रहा है इन तमाम सवालों पर आज की बहस आज का खड़ा जिसके लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सबसे पहले उनका पर्चा आपसे करा देते हैं हमारे साथ नवीन श्रीवास्तव जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता है गौतम राडे सागर जी हैं प्रवक्ता पी हैं रजा रिजवी साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और ब्रिजेश मिश्रा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं शुरुआत करेंगे नवीन श्रीवास्तव जी जैसे ही परिणाम आए थे उसके बाद विपक्ष कही न कहीं ना कहीं हाशिए पर चला गया था वो अंदाज वो ऊर्जा वो आक्रामकता नहीं दिख रही थी लेकिन हालिया दिनों में जैसे ही सदन के सत्र की शुरुआत हुई तमाम सवाल यहां पर खड़े किए गए कभी ईवीएम का सवाल खड़ा किया गया कभी मॉम लिंचिंग को लेकर घेरा गया सरकार को और जिस तरह से कांग्रेस की हार को देश की हार कर बताया गया था उस पर आज करारा जवाब दिया है पीएम ने देखिए निश्चित रूप से शरण जी चुनाव के परिणाम आने के पहले ही जिस प्रकार से ईवीएम पर आरोप लगने शुरू हो गए थे तो यह तो तय था कि कहीं ना कहीं अपनी संभावित हार को देख के पेशबंदी हो रही थी एक शब्द हमारे यहाँ पेशबंदी वो पेशबंदी विपक्ष कर रहा था अब देश में कुछ घटनाएं हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई झारखंड की जो माव लिंचिंग घटना हुई वो अत्यंत निंदनीय अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कतई भी किसी सभ्य समाज में इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है लेकिन इन सारे मुद्दों के साथ साथ आज प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष को जो जवाब दिया ईवीएम पर आरोप लगाने के साथ साथ कांग्रेस जो कहा कि ओल्ड पुराने समय में कहा कि पुराने समय का क्या मतलब कि देश की नेवी व्यक्तिगत पारिवारिक छुट्टी में मनाई जाती है आप चुनाव हार जाइए तो ईवीएम खराब है आप चुनाव जीतते रहे तो जो कांग्रेस ने यह एक प्रचार किया कि अगर कांग्रेस हार गई है तो देश की सारी संवैधानिक संस्थाएं हार गई हैं देश की हार बता दिया देश की हार बता दिया उससे उभरने के लिए और जो उन्होंने गालिब का शेर पढ़ा कि वो आत्मावलोकन करने के लिए कहा क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब तक विपक्ष भी मजबूत नहीं होगा विपक्ष स्वच्छ राजनीति नहीं करेगा आप सिर्फ इसलिए सरकारी नीतियों का सरकारी कदमों का विरोध करेंगे कि आप विपक्ष में हैं, ऐसा देश के हित में और लोकतंत्र के हित में विरोध नहीं करना इसलिए विरोध खाली करना चाहिए

नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना पर हमें काम करना पड़ेगा आप याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भी इस योजना पर काम करना शुरू हुआ।, हुआ लेकिन जैसे कांग्रेस की सरकार बनी दस साल उसने इसको कूड़ेदान में डाल दिया आप किसी देश के विकास की देश की जरूरत की योजना को सिर्फ इसलिए नकार हुँ। दें कि वो किसी आपके विरोधी दल की सरकार ने किया है या देश के लिए और लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है इन सारी चीजों पर प्रधानमंत्री जी ने बिंदुवार प्रकाश डाला ठीक प्रधानमंत्री आज लगातार विपक्ष पर हमला हुए गौतम जी जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था कभी ईवीएम को लेकर कभी मॉब लिंचिंग को लेकर कभी कानून व्यवस्था को लेकर कभी सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर आज तो सारे जवाब दे दिए आपको देखिए ये आज जो राज्यसभा में हमारे प्रधानमंत्री जी का विचारण चल रहा था वो अब वाषड़ कम मिथ्यापुराण ज्यादा था मिथ्यापुराण जी जो उनकी सगल है उनकी आदत है जिस तरह से इस देश को लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली से खत्म करने की कोशिश की जा रही है जिस तरह से इस देश को अधिनायक वाद के रास्ते पे लेके जाने की कोशिश की जा रही है वो देश के लिए खतरनाक है जब बार-बार ईवीएम बार पे प्रश्न उठता है तो आप में अगर इतनी थी एक बार आप आकर के कह देते कि चलिए ईवीएम पे प्रश्न उठ रहा है इस ईवीएम पे प्रश्न जब उठ रहा है तो मैं ईवीएम को हटाता हूं पे हूँ नहीं सुन लीजिए अभी अभी रू, 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 रू काम पे सबसे पहले प्रश्न तो आपकी काप चुकी है जब जीरो हो होगा रू हमारी क्यों कापेगी आपकी रू कापी है जनता के मैंडेट को आप कह रहे हैं अधिनयक बात हो रहा है जनता का

ठीक है गौतम जी को बोल सैनांदरी थी, थी। जब ईबीएम पे बात आ रही थी सबसे पहले 2009 में ईबीएम पे प्रशिक्षण किसने लगाया ईबीएम पे किताब किसने लिखी कि डेमोक्रेसी एट रिस्क जीएलजीवीएल नरसिम्हन क्या क्या कांग्रेस के कैंडिडेट थे उसकी भूमिका किसने लिखी लाल किस आडवाणी ने लिखी सुब्रमणियम स्वामी जो आज बड़ी-बड़ी बात करते हैं उसको पिटीशन फाइल करने वाले सुब्रमणियम स्वामी थे और उस समय जब नवीन चावला के सामने इस तरह की बात गई नवीन चावला ने चैलेंज किया कि ईवीएम को हैक करके दिखाए है, हरिप्रसाद जैसे ही हुँ। गया हुँ। और हरिप्रसाद ने यह कहा कि चावला साहब मुझे बुलाने की जरूरत नहीं थी

चाना चाना कर की बात करिए मैं कह कर रहा हूँ अगर जीवीएल नेतृत्व क्या होगी सारे राज्य हमने गर्वने देखी है और इनके पास सूचना आ गई की नवीन चावला ने उठाकर हटा दिया मैं कह रहा हूँ

तब तब तो बिल्कुल सही सही थी। आप थी। आप 2009 में लोकसभा की जीते कुछ वो खाली उनके अभिभाषण का एक हिस्सा था जिसमें उन्होंने कहा अभिभाषण का हिस्सा था तो वो प्रश्न वो बातचीत का जरिया बनना चाहिए अभिभाषण जो कह देंगे हो जाएगा ठीक है सर लेकिन उन्होंने जो परिवारवाद पे कहा जो इमरजेंसी पर लेकर कहा सारी चीजों पे बात होनी चाहिए सारी चीजों पे बात, बात होनी चाहिए आप खाली जो है ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देते हैं मैं कह अरे आपने एक बात कहने नहीं दी कैसे हो गई एक बात कहने नहीं दी मैं एक बात कहना चाहूंगा बहुत साफ जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम रह रहे हैं जनता के इतने बड़े जनादेश का ईवीएम पर कह जो आप अपमान कर रहे हैं यह देश की जनता देख रही है समझ रही है और इसका नतीजा आपको आने जनता वो के मैंडेट तो तो को आप उस धोखे को उजागर तो नहीं करता है मुझे मुझे भी समझिए मुझे भी पता है जी। आपको नहीं जी। हाँ, आप लोग मिल गया अब्रिजेश ब्रिजेश जी अगर देखा जाए कल के अभिभाषण को देखा जाए यहाँ पर पीएम मोदी के आज के राज्यसभा में जो उन्होंने संबोधन किया उसको देखा जाए जिस तरह से उन्होंने विपक्ष जो काम विपक्ष के अंदर होना चाहिए वो बात पीएम मोदी कर लेकिन फिर भी आप लोकतंत्र में अपने महत्व को समझिए वो संकेत दे रहे हैं बार बार विपक्ष को जगा रहे हैं लेकिन बावजूद इसके विपक्ष कभी ईवीएम पर ठीक रोट देता है कभी सांप्रदायिक घटनाओं को उजागर करता है कभी यहाँ प्रदेश की हार बताता है ये आपको किस तरह से लगता है देखिए पहले तो मैं ईवीएम पे दो तीन बात बोल दू जब कैराना फूलपुर और गोरखपुर के चुनाव का नतीजा आया तो आपको बड़ा विश्वास हो गया कि साहब ईवीएम बिल्कुल ठीक है और अगर आपको ईवीएम को हटाना ही था तो आप चुनाव का बायकॉट कर देते नुँ। नुँ। भी भी ना वीवीपैट की व्यवस्था की ना इस बार चुनाव जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक नहीं, नहीं पांच वीवीपैट मिलाएंगे और पांच वीवीपैट मिलाई गई उसके बाद जो है जब नतीजे पूरी तरह से निकल आए तब आप ईवीएम पे प्रश्न कैसे उठा सकते हैं इसी तरह से उसको छोड़ दीजिए मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ने जब चैलेंज थ्रो किया कि आप आइए और हैक करके दिखाइए मैं कह रहा हूँ आप अपना मोबाइल पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर लीजिए मैं नहीं हैक कर सकता ईवीएम तो करोड़ों ईवीएम इतने बड़े देश में हैक हो सकती है क्या लोकतंत्र का मजाक बनाते हैं आप इसी तरह से आप ये देखिए कि जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आए पंजाब के चुनाव आए जब उसके नतीजे आए तब भी क्या ईवीएम है कोई क्या तो ये सब बातें कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक चरित्र को उजागर करते हैं कि हम किस तरह से अपने हार का अपने अलावा किसी भी चीज पर थोप थोप दें कभी जनता को बेकूफ कर, कभी जनता को को बनाकर कभी कभी गलत मुद्दे गढ़कर आज कांग्रेस छोटे पार्टियों में बात नहीं करता ये छोटे दल हैं अभी इनका कोई प्रातिनिधिक चरित्र भी नहीं बन पाया इस चुनाव में तो मैं इनकी बात बिल्कुल नहीं करूंगा मैं कहता हूं जैसे कांग्रेस की बात होती रही तो देखिए कांग्रेस की दुर्गति का, का कारण बार बार समझ बार रहे एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी इनकम्बेंसी लोगों को डर था कि कहीं विपक्ष सत्ता में ना आ जाए और अब विपक्ष को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे कौन से कर्म हैं कौन सी हमारी करतूत है हमारी क्या छवि रह गई है कितनी लोक निंदा हो रही है जो मुद्दे उठाए नहीं जा सकते थे उन मुद्दों को आपने गढ़ा और गढ़ने के बाद आपने मनमाने तरीके से उसको देश के सामने जबरदस्ती देश की जनता पर थोपने का काम आपने किया और उसके बाद भी जो बयान आ रहे हैं वो भी इतने अहंकार पूर्ण है इतने अहंकार पूर्ण है कि आप उस अहंकार को किसी थर्मामीटर से नाप नहीं सकते तो क्या आप लोकतंत्र को इस तरह चलाएंगे क्या और जहां तक लोग विपक्ष की बात करते हैं साथ विपक्ष विपक्ष बड़ा मजबूत होना होना चाहिए चाहिए को सकारात्मक राष्ट्र निर्माण की ओर विपक्ष को सकारात्मक होना चाहिए हम लोग राजनीतिक व्याख्याएं करते हैं हम लोग राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं हम लोग इतने लंबे समय से इस लोकतंत्र की धारा का अध्ययन कर रहे हैं इतना नकारात्मक विपक्ष मैंने नहीं देखा ठीक है जोड़ दू कि देखिए जैसे आप जेएनयू के नारे लगे आप बताने लगे अभिव्यक्ति की आजादी हो गई इसी तरह से आपने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा अब एक देश एक चुनाव जब उन्नीस में रहा सत्तावन में रहा है ना और उसके बाद भी चार जनरल इलेक्शन हुए वो सब एक देश एक चुनाव था तब आप आप थे? आज आप उसके विरोध में खड़े हुए हैं तो जो मौलिक प्रश्न है वो इस बात का है कि देश की जनता अपना भविष्य उस व्यक्ति को देगी जिसको वो समझती है कि वो उसके भविष्य और उसके अनुरूप सोचता हुँ। है हुँ। अब यहाँ पर अगर कोई कहे कि नहीं साहब हम तो जो है अपने तरह से सोचेंगे अपनी थियरी हम जनता को समझाने हम तो अपनी बात जनता को समझाएंगे और अगर जनता नहीं समझेगी तो जनता भी बेवकूफ है है ना जनता भी बेवकूफ है हाँ आप क्या देश करेंगे देश की इस देश को इस देश को हम क्या करेंगे कौन सी बात आप कर रहे थे और इन सारी बातों को मैं अलग अलग चैनलों की डिबेट्स में हमेशा कहता रहा कि विपक्ष को बहुत ही अपने आप में पहले पारदर्शी होना पड़ेगा है ना जब आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो कौन समझाएगा आपको जी, जी, आपके पास आएंगे जिस तरह से विपक्ष का रवैया है पीएम मोदी ने एक एक करके काफी यहां पर सवाल भी किए हैं और काफी जवाब भी उन्होंने दिए हैं। आप इसे किस तरह से देखते हो आपको लगता है इस बार विपक्ष वो आक्रामकता नहीं दिखा रहा वो मुद्दे नहीं ला पा रहा जिसकी जरूरत है और गैरवाजीब मुद्दे उठाए जा रहे हैं विपक्ष की बहुत सी बातें तो प्रधानमंत्री ही समझाने के दृष्टिकोण में कह देते हैं आप देखिए जो लोकसभा अच्छा में अंदाज पीएम मोदी बहुत अच्छे अंदाज से बहुत शालीनता से बहुत गंभीरता से प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी और बहुत मजबूती से रखी आप देखिए लोकसभा में जिन्होंने वक्तव्य दिया था उसके बाद जब उनका वक्तव्य खत्म हुआ तो पूरे देश में एक मरमरिंग हुई आवाज उठी कि साहब उस चमकी बुखार के बारे में नहीं बोले और लिंचिंग के बारे में नहीं बोले और बोलना चाहिए था कई चैनल पर इस पर डिबेट भी चला तो हमने हमने ने लोगों कहा कि भाई राष्ट्रपति के अभिभाषण पे उन्होंने अपना भाषण दिया है अभी प्रधानमंत्री को बहुत से मंच मिलेंगे जिस पर वो बोलेंगे कौन से ऐसी बड़ी बात है और आज देखिए कि राज्यसभा में उन्होंने कहा दो कि साहब हाँ कि चमकी पर भी बोला और उन्होंने मामले और उन्होंने साफ साफ कहा कि साहब मैं संवैधानिक पद पर हूँ मेरी जिम्मेदारी है देश में सबकी सुरक्षा और मैं वो सुरक्षा करने के लिए, के लिए तैयार हूँ और कर, करूंगा मैं और दूसरा सांसद उन्होंने कहा जो माव लिंचिंग मानवता का प्रश्न उठाया कि साहब जो एक मानवता है कि किसी आदमी को निर्दय से पीटा जाए तो जाहिर सी बात है कि ये जो माव लिंचिंग हो रहा है ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता का नाम मत दिया जाए ये सीधे सीधे एक आपराधिक प्रवृत्ति का क्रित है जो आपराधिक लोग हैं वो इस मानसिकता से काम करते हैं लेकिन राजनीतिकरण करके वो किसी का पार्टी से नाम जोड़ करके उसको एक दूसरा माहौल देना चाहते हैं ये सीधे सीधे अपराधीकरण है इसमें अपराध जो अपराध करने वाला है उसको गिरफ्तार होना चाहिए प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे लहजे में आज कहा और कांग्रेस को लेनी चाहिए विपक्ष को बिल्कुल सीख लेनी चाहिए इससे और उन्होंने उन्होंने गुलाम नबी आजाद को कहा भी कि भाई आप किस तरीके की बात रख रहे हैं आप आपका जो योगदान होना चाहिए योगदान तो आपने किया नहीं आप समझिए वही तो मैं कहता हूं कि जिन्होंने कमेटियां बनाई मुसलमानों के बारे में बहुत अच्छी बात प्रधानमंत्री ने मैं तो खुद ये कहना चाहता हूं कि जिन्होंने मुसलमानों की तरक्की के लिए कमेटी बनाई राजेंद्र जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी रघ मिश्रा कमेटी और कमेटी बना दिया कमेटी बनाने का पता भी चल गया कि साहब मुसलमान दलितों से नीचे है तो क्या मुसलमानों को बेजत करने के लिए कमेटी बनाई थी आप

बिल्कुल में तो आ, सरीयत, सरीयत को मिल रहा है शेख को मिल रहा है जो ऊंची जाति का मुसलमान है ठाकुर ब्राह्मण के मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं बिहार में चमकी से मौतों पे नहीं बोले हर एक बात का जवाब दे दिया पीएम मोदी ने फिर आपको क्या चाहिए अभी जो इस तरह की बात हो रही थी सबसे पहले हमारे ब्रजेश मिश्र जी एक बात कर रहे थे छोटे दल है इनका कोई चारित्रिक निर्माण नहीं हो पाया है मैंने ये नहीं, नहीं कहा चरित्र नहीं।, नहीं मिला है चलिए देख लीजिए नहीं नहीं मैं वीडियो में मैं आपकी बात कर हूं जी क्या बोला प्रातिधित्व प्रतिनिधित्व नहीं मिला अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं लोकसभा में आर सुनना चाहिए अभी वो नहीं है आर सुन लीजिए ये सच है कि निश्चित तौर पे हमें किसी भी सदन में अभी अपना प्रतिनिधि या अपनी बात रखने के लिए प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला है जनता ने नहीं दिया है और अभी करीब हमने छह महीना पहले अपनी पार्टी का गठन किया है और जहां थे कुछ न कुछ विचारों में उलझाव था विचार नहीं मिलते थे हम बार बार इस बार बार कहते थे कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली ही दुनिया में एक ऐसी शासन प्रणाली है जो दो धुरी पे चलती है पहली धुरी होती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव दूसरी धुरी होती है सजग और जीवंत विपक्ष हमें सजग और जीवंत विपक्ष की पूरी तरह भूमिका निभानी चाहिए किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है वो तो खुद करें पीएम मोदी खुद करेंगे हमारे पास हम, हमें अपनी बात कहने दीजिए पीएम मोदी तो कहते रहते हैं तो इस पर इस पर जब बात नहीं बन पाई तो मुझे ये लगा कि अभी विपक्ष जो है या तो डरा हुआ है या घबराया हुआ जो भी स्थित है फिर हमें लगा कि इस इस देश में एक मजबूत विपक्ष बनने के लिए ज़रूरत है उस जो कमी है वो जो खाई है उसको भरने के लिए हमने अपने पार्टी का गठन किया ये सच है कि अभी अभी हम हमको जो है ये जनादेश नहीं मिल पाया कि हम कोई अपना प्रतिनिधि भेज पाए छोटे दल हैं लेकिन इतने भी मशवरा लेने की हमें जरूरत नहीं है जिसके पीछे एक भी व्यक्ति ना खड़ा हो पाए वो हमें हमें राजनीति सिखाया तो ये मशवरा अभी इतना भी बुरा दिन नहीं आया कि वो मशवरा लेने की जरूरत पड़े दूस, दूसरी बात ये कही जा रही थी कि जिस तरह से आप बार बार बात की जा रही है सारे मुद्दों पर लेके आ रहे हैं ये महिलाओं पे बड़ी आपके पीड़ा होती है बहुत सारे महिलाएं पीड़ित होती है आप उस पर चले जाते हैं तीन तलाक की भी बात कर लेते हैं उस पर चले जाते हैं उस पर आज दोनों दोनों दिन में बहस में भी आपने नहीं नहीं कहा तीन तलाक की बात कर लेते हैं चलिए हम भी मान लेते हैं कि तीन तलाक से महिलाओं को आप न्याय दिलाने जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिल जाएगा लेकिन सबरी माला में जो महिलाओं की इंट्री नहीं हो पा रही है वो उनको न्याय नहीं चाहिए क्या तब आप बोलते हैं कि तीन तलाक तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है लेकिन सबरी में जो एंट्री नहीं मिलेगी वो आस्था का प्रश्न है कहां से शब्दावली गढ़ के लाते हैं निश्चित तौर पे क्या दोनों शब्द दो दो, दो परिस्थितियों में दिए गए थे जो मना है स्थिति थी दोनों अलग अलग स्थिति थी एक बयान दिन में दिया गया तो आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नजर आ गया तीन तलाक और एक रात में दिया गया तो आस्था नजर आ जाए इस तरह के जो नरेशन गढ़े जा रहे हैं ये खतरनाक है और बहुत खतरनाक है ये चर्चा होनी चाहिए थी कि हमारे देश में नेशनल अकाउंट स्टेटिक्स क्यों बंद हुए हमारे देश में नए सरसों की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है हमारे हमारे देश में जीडीपी क्यों बार-बार घट रहा है हमारे देश में जब इतनी प्रगति हो रही है तो विकासशील देशों की लिस्ट से हम क्यों हटाए जा रहे हैं और जो लिंचिंग करने वाले लोग हैं इतना साहस कैसे आता है कि तू उसको बांध करके जय श्री राम बोलो जय हनुमान बोलो सदन में भी जय श्री राम हो गया वंदे मातरम भारत माता की इसका इसका मतलब है कि सदन को पूरी तरह से जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हो तो आपको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कथन को ध्यान रखना चाहिए कि सदन को किसी भी कीमत पे की जगह नहीं बनने देनी चाहिए उसको कानून से चलाना चाहिए गौतम जी ने बहुत सारी बातें कही इन्होंने छोटे दल बड़े दल छोटे दल बड़े दल जैसे मनीष जी ने कहा कि मनीष जी ने कि विपक्ष को सकारात्मक होना चाहिए आप देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अगर आज उनके संविधान की उनकी हम बात करते हैं तो हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो नदियों को जोड़ने की परियोजना की बात की थी उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए था अटल जी ने किया लेकिन उसको अगली सरकार ने रोक दिया आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा जो नॉर्थ ईस्ट के लिए जो वहां की नागरिकता का एनआरसी एनआरसी राजीव गांधी ने लागू किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीच में उसमें पी आई एल वगैरह हो गए चलने लगी इसलिए वो रुक गया राजीव गांधी ने किया उस समय आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाए आज अगर मोदी जी की सरकार उसको लागू कर रही है तो आप कहिएगा कि यह बहुत गलत है भावना विपक्ष के लिए उचित नहीं है देखिए मैं मॉब लिंचिंग मॉबलिन सारी चीजों को एक चीज से मैं कहना चाहूंगा सलेन जी आप याद करिए पिछले वर्ष ईद का पवित्र त्योहार था एक हमारा भारतीय ट्रेन में अपने घर जा रहा था त्यौहार मनाने के लिए रास्ते में उसकी हत्या कर दी कुछ अपराधियों ने उसी समय जम्मू कश्मीर में मस्जिद के बाहर एक नौजवान पुलिस अधिकारी की भी नमाज पढ़ के बाहर निकला था हत्या कर दी गई ये दोनों घटनाएं देश के लिए बहुत दुखद और दर्दनाक थी उसके बाद ईद के त्यौहार के बाद अगले दिन जब मैंने अखबारों में तस्वीरें देखी तो हमारे कुछ मुस्लिम भाई काली पट्टी बांधे हुए थे नमाज पढ़ते समय और लिखा यह था कि वह नौजवान जो ट्रेन में यात्रा करके आ रहा था उसकी हत्या के शोक में हमने ऐसा किया है निश्चित रूप से उनकी हत्या का शोक आपको भी होगा लेकिन हमें भी है एक हिंदुस्तानी के नाते एक मुस्लिम होने के नाते आपको भी होगा लेकिन उससे पहले एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें भी है क्या यह बेहतर नहीं होता कि जम्मू कश्मीर में जो पुलिस अधिकारी मारा गया उसके शोक में भी आप काली पट्टी बांधते देश में यह भावना जब तक रहेगी अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा कहने की हम सबके अंदर ताकत नहीं होगी अच्छा तालिबान और बुरे तालिबान का फर्क करने की क्षमता नहीं होगी यह चीजें होंगी अपराध करने वाले सिर्फ अपराधी होते हैं न वो हिंदू होते हैं न मुसलमान होते हैं अरे आतन... तीन तलाक पे आपकी जो देखिए तो एक चीज और मैं बता तो, नहीं ये चीजें आई कहां से जी पूरी दुनिया आज तक आतंकवाद का धर्म नहीं खोज पाई लेकिन कांग्रेस की सरकारों में भगवा आतंकवाद शब्द पैदा कर दिया गया देश भर को दुनिया को बताया गया हाँ हिंदू आतंकवाद भगवा आतंकवाद तो ये

जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं सबके विश्वास की बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो निश्चित रूप से देश की एक बड़ी आबादी जिसको सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है पारिवारिक न्याय नहीं मिल रहा है किन्नी पुरानी रीतियों के कारण उसको उसका हक दिलाने के लिए हमारी सरकार ने अगर सबरीमाला के सवाल भी उठा देते हैं फिर सबरीमाला बिल्कुल सबरीमाला आप गौतम जी ने अच्छा प्रश्न किया मैं इसके इनको कहूंगा सबरीमाला देखिए एक महिला के अधिकार वो मंदिर जाने के भी हो सकते हैं मस्जिद जाने के भी हो सकते हैं लेकिन एक महिला के अधिकार से इस अधिकार से बड़ा अधिकार है उसकी निजी जीवन का अधिकार उसकी और उसके बच्चों के परिवार की सुरक्षा का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर साहबानों में भी फैसला हुआ था कांग्रेस उस समय उसको नहीं कर, कर पाई जिसका दुष्परिणाम आज हमने उस पर काम किया है आज आप सबरीमाला की बात करेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह कहा कि मस्जिद में मुस्लिम महिलाएं भी नमाज पढ़ने जाएंगी ऐसा नहीं है ना क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी धार्मिक आस्था का है तीन तलाक आपकी धार्मिक आस्था का विषय नहीं है वह आपकी एक सामाजिक व्यवस्था का विषय है जिस व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर हमारी सरकार ने बिल्ला के बदलने का काम किया चलिए गौतम जी करिए आप जो सवाल कर रहे थे उसका जवाब तो दे दे दिया दिया नहीं नहीं उनका जवाब बहुत देखिए जी आज स्थित क्या है एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है आज शहर यह तमाशा देख कर है जी का आप भी है। कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है पूरी स्थिति आ गई बिल्कुल यही स्थिति है जब यनोत्सव की रिपोर्ट अभी बड़ी मुश्किल से हुई तो चार करोड़ सत्तर लाख लोग बेरोजगार हो गए चार करोड़ सत्तर लाख लोग बेरोजगार हो गए देश में आबादी कितनी है? सेवन परसेंट ही जॉब मिलते हैं टू पॉइंट सेवन परसेंट जॉब मिलते हैं उस जॉब में चार करोड़ सत्तर लोग बेरोजगार हो जाएं, 2016 के बाद क्या स्थिति ये नहीं हो गई क्या ये स्थिति नहीं हो गई ये इसीलिए कहा जा रहा है कि मुद्दों से देखिए एक बात स्पष्ट हम आपको करें क्रिकेट कमेटी गठित तो किए जमेट कमेटी जी, कमेट, जी इनकी बात जवाब दे दूं हुँ। 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 बहुत अच्छा विषय उठाया है निश्चित रूप से बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है उन बेरोजगारों की जो परिवारवाद के नाम पर इस देश की जनता को लूटने का काम करते थे वह 2016 के बाद इन्होंने कहा वो संख्या बढ़ी है इस देश में जात धर्म पंथ मजहब के नाम पर परिवारवाद करके रोजगार करने वालों की, की बेरोजगारी बढ़ी है लेकिन श्रीमान जी को यह पता नहीं है कि दुनिया की सबसे तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत है जीडीपी ग्रोथ रेट पूरी दुनिया में हमारी सबसे अधिक है और इनको नहीं पता है तो मैं बता अर्थशास्त्र थोड़ा सा हुँ। हुँ। किसी भी देश में हुँ। महंगाई हुँ। आर्थिक संपन्नता नापी जाती है कि महंगाई जो थोक मूल सूचकांक है वह कितना है अगर पांच प्रतिशत या उससे कम है तो वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है पांच साल पिछली सरकार और इस साल लगातार थोक मूल सूचकांक पांच प्रतिशत से कम रहा तीसरी चीज मैं आपको बता दूं अर्थशास्त्र के लिए किसी भी देश की आर्थिक प्रबंधन को मापने का जो एकमात्र पैमाना है वो राजकोषीय घाटा पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री मानते हैं कि 3.4 परसेंट के आसपास अगर आपका राजकोषीय घाटा है तो आपकी अर्थव्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है और मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पांच साल और अभी भी होगा चैलेंज चुनाव हो चुका है एनआरसी पर अगर राजीव गांधी कोई एक्शन लेंगे तो वो सेक्युलर होगा अगर एनडीए गवर्नमेंट लेगी तो कम्यूनल होगा तीन तलाक पर राजीव गांधी कोई एक्शन लेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ओवर रूल करेंगे अमेंडमेंट पास करेंगे तो वो सेक्युलर होगा अगर बीजेपी तीन तलाक पास करेगी तो कम्युनल होगा जब तक राजनीतिक दल इस व्याख्या में देश को लेके जाते रहेंगे तब तक देश का भला ये नहीं कर पाएंगे ठीक है ना और आपके सेक्युलर और कम्युनल की व्याख्या से देश संतुष्ट ने ने पाया कि देश की आर्थिक संपन्नता के आंकड़े जो है हाँ। वो विपक्ष को

मंत्री बनने के बाद ये बड़ा काम हुआ है कि बीजेपी विधायक ने अगर मारा है किसी को तो आप देखिए बीजेपी विधायक को गिरफ्तार भी करवाया तो ये एक बड़ी बात है कि जो आकाश विजय वर्गीय जेल भी जा रहे हैं तो ये बड़ी बात है केंद्रीय गृह मंत्री के बनने के बाद चाहे सरकार सेट करे विपक्ष के पास भी होगा ये कैलाश वर्गीय उन्होंने अगर कानून हाथ में लिया गृह मंत्री

एक सबसे बड़ा प्रश्न आजकल चल रहा है आप बता दीजिए जब कश्मीर में लोकसभा का चुनाव हो सकता है तो विधानसभा चुनाव नहीं हो सकता ठीक है सवाल कई सवाल कई सारे लेक हैं लेकिन फिलहाल आज की में ही तमाम कर मेहमानों तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार